आपको मेरी तरफ से, बेगम की तरफ से, जूनियर सुलेमान है, तो उनकी तरफ से, हम तीनों की तरफ से ईद मुबारक। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये चीज करते हो मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? Assalamualaikum, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का रिएक्शन जो है वो है एक पुराने मूवी के सीन पर, जिस पर मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुकी है। और इससे पहले कि आप पूछें कि भाई बेगम आज कहाँ है, तो आज वाले रिएक्शन में बेगम नहीं है, बट वो आ जाएंगी अगले रिएक्शन में, सो डोंट वरी। आज आपका भाई है अकेला। तो सीन बहुत मज़ेदार है, आनंद मूवी है और मूवी 1971 की फिल्म है। अमिताभ बच्चन एंड राजेश खन्ना, और बहुत बेहतरीन फिल्म है, मैंने देखी हुई है और परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतरीन हैं। तो इसको देख लेते हैं, इस सीन को, जो कि आनंद बेस्ट डायलॉग के नाम से जिस चैनल ने इनको सीन को डाला हुआ है, जेके मौर्या। तो इस सीन को हम देख लेते हैं। देखने के बाद हम हमेशा की तरह डिस्कशन करेंगे कि भाई ये सीन हमें कैसा लगा, या इसमें एक्टिंग कैसी लगी, परफॉर्मेंस कैसी लगी। और हम ओल्ड इज़ गोल्ड तो देखते ही देखते हैं, हमने एक ये भी सिलसिला शुरू किया है छोटे छोटे सीन्स देखने का, जो कि आपको बड़ा पसंद आ रहा है। तो सारी वैरायटी होनी चाहिए, तो इसको देखते हैं। देखने के बाद हम इस पर करेंगे बातचीत। कसम से दोस्त, अगर ये बीमारी किसी औरत को होती ना, तो ऐसे लगता जैसे उसने किसी अंग्रेज को गोद ले लिया। ये मजाक और मस्करीपन की बात नहीं। यू नो द मीनिंग ऑफ लिम्फोसर्कोमा? आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है, जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद उसी का डॉक्टरी नाम होगा। आप अचानक नाराज क्यों हो गए? ओ, समझा, आप मुझ पर नहीं, अपने आप पर नाराज हैं, क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो सकता ना, इसलिए। ए बाबू मोशाय, ऐ तो भालो भाषा भालो ना, इतना प्यार अच्छा नहीं। बाबू मोशाय, मैं आपको चेक कर सकता हूँ? मुझे क्या हुआ भाई, अपना हाथ तो दीजिए। नब्ज इधर, नो चांस। आपकी उम्र क्या? 30। 30, 100 में से 30 गए कितने रह गए दोस्त? 70। आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आपको मालूम आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मोशाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मोशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये चीज करते हो मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मोशाए, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। साहब? ए बाबू मोशाए, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसे जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो, एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतर आए। ओके फ्रेंड्स, तो राजेश खन्ना उन एक्टर्स में से हैं जिन जो कि आने वाले 100 या हजारों सालों में भी शायद ना पैदा हों, जिस तरह से वो अपनी बात किया जाते हैं, या अमिताभ बच्चन तो है ही हैं, लेकिन राजेश खन्ना की इस वक्त बात हो रही है कि इस फिल्म में उनको बीमारी है, जैसे कि वो सीन में दिखाया जा रहा है, और वो फुल ऑफ लाइफ हैं। वो अपनी उस चीज़ को जाहिर नहीं होने देते किसी दुनिया के सामने कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, कि इन 6 महीनों में जो मैं अपनी ज़िंदगी को जीने वाला हूँ पूरे तरीके से। तो वो अभी से सोच के बंदा क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़राब करे कि मैंने किसी दिन मरना है। तो मतलब है, ऐसी पॉजिटिव सोच है उनकी। बड़ी प्यारी बात है कि मौत के डर से अगर हमने ज़िंदा रहना छोड़ दिया तो फिर मौत किसे कहते हैं? या कोई भी, आप अगर अभी से सोचना शुरू कर दें हमें मौत आनी है और हम जीना छोड़ दें, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो बड़ी पॉजिटिव इनकी सोच है। ये बात नहीं कि वो परेशान नहीं होते इस मूवी में, वो परेशान होते हैं लेकिन वो किसी को शो नहीं करते। बड़ी प्यारी मूवी है, अगर जिसने नहीं देखी वो ज़रूर इसको देखे, और जिन्होंने देखी है वो अपनी यादें मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि भाई आपको ये मूवी कैसी लगती है, क्या बात इस मूवी की सबसे अच्छी लगती है, गाने, परफॉर्मेंस, क्या चीज़, और कौन सा एक्टर आपको लगता है जिसने सबसे बेहतरीन इसमें अदाकारी की है, एक्टिंग की है। तो बड़ा बेहतरीन सीन है, और जो कि पीछे मेमोरीज़ में लेके जाता है। और अगर आप चाहते हैं इस तरह हम एक एक डेढ़ मिनट के
पुरानी बेहतरीन फिल्म से ऐसे सीन्स देखें जो कि बेहतरीन हैं और जो कि सुपर हिट हैं और लोगों के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में बेगम भी साथ होंगी इंशाल्लाह। सो बड़ा अच्छा लगता है यार ऐसी मूवीज़ देख के जिनमें स्टोरी होती थी, जिनमें सिंपलिसिटी होती थी, साफ सुथरी मूवीज़ होती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। काश इस तरह की मूवीज़ वापस आएँ और हमें कुछ अच्छा देखने को मिले। यार रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ब्लॉग चैनल पे नई नई वीडियोस डाल रहा हूँ वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। एंड इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे, हमारा एक ही ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। आप कहीं पे भी फॉलो रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होंगी, तो इसलिए वो जो आ रहा है नीचे वही है, तो उस पर फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटोज़ और अपडेट्स के लिए। एक और रिएक्शन लेके हम लोग आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।